पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना पिक्चर अभी बाकी है। म्यूजिक एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम कुछ इस तरीके से स्टेटस को क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल होने वाला है, तो दोस्तों एक इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील्स का डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग क्रिएट करके ला चुका है तुम्हारा भाई, न्यू इफेक्ट के साथ क्रिएट करके ला चुका है तुम्हारा भाई डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, जो कि दोस्तों बहुत कमाल और बहुत ही धमाल का होने वाला है आज का डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का जो डीजे स्टेटस वीडियो कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी कमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको ऐसे स्टेटस को क्रिएट करने के लिए हम एक एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है अलाइट मोशन एप्लीकेशन। तो दोस्तों चलिए लेकर चलते हैं अपने फोन का अलाइट मोशन एप्लीकेशन पर, लेट्स गो। ओके, तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने फोन के अलाइट मोशन एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्लस के बगल में प्रोजेक्ट पर क्लिक करना। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक सॉन्ग बीट मार और दूसरा शेक इफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट कर लेने के बाद दोस्तों को क्या करना होगा, सबसे पहले शेक इफेक्ट पर क्लिक करना है। शेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों को यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों को सिलेक्टर लेयर पर क्लिक करके फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करके कॉपी शार्ट लेयर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका जितना भी लेयर रहेगा यहाँ से कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों को एक बार बैक आ जाना है। फिर से बैक आ जाने के बाद दोस्तों को सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों को एक बार तीर के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों को पेस्ट शार्ट लेयर पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका जितना भी लेयर रहेगा यहाँ पर तो दोस्तों सारा चीज़ ऐड हो जाएगा अपने अपने बीट हिसाब से। जैसे दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारा चीज़ यहाँ पर अटैच करके पहले से दे दिया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ फोटो को अटैच करना है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से इस तरीका से स्टेटस को क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरीका से आपको यहाँ पर कुछ लिरिक्स फॉन्ट दिखाई दे रहा होगा आपको स्टेटस में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फॉन्ट को ऐड करने के लिए हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हम इस फॉन्ट को अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद दोस्तों आपको इस अलाइट मोशन एप्लीकेशन पर इम्पोर्ट करने के लिए आपको इस लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको व्यू ऑल फॉन्ट पर क्लिक करना है। व्यू ऑल फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करके इंपोर्ट फॉन्ट पर क्लिक कर देना है। इंपोर्ट फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जहाँ पर भी डाउनलोड करके रखे होंगे तो दोस्तों आपको वहाँ से उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों मैं इस फॉन्ट पर रखा हूँ रजनीश फॉन्ट पर, तो दोस्तों ये फॉन्ट रहा। तो दोस्तों को कुछ इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका अलाइट मोशन एप्लीकेशन में वो फॉन्ट ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिएगा कहीं पर आ जाएगा, तो दोस्तों वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका भी फॉन्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों को क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से आपको इन सभी इमेज के लेयर पर फोटो को अटैच करना है। तो दोस्तों इन पर फोटो को ऐसे अटैच करना है। फोटो को अटैच करने के लिए कोई भी एक इमेज क्लियर पर क्लिक करना, कलरफिल पर क्लिक करके स्टार को सर क्लिक करके आपको यहाँ से अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी फोल्डर में फोटो को रखे होंगे तो दोस्तों उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों को कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के कन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो अटैच हो जाएगी। इसी तरीके से आपको उसके नीचे वाली इमेज के लेयर पर वही वाली फोटो को अटैच करना है। कुछ इस तरीके से वही वाली फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के कन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से दो इमेज के लेयर पर वही वाली फोटो को अटैच करना है। इस तरीके से आपको बैकग्राउंड इमेज के लेयर पर कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना। जैसे दोस्तों मैं कोई भी फोटो को फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस के कन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको फोटो को अटैच कर लेना है। इसके बाद दोस्तों को कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर आ जाना है। कुछ यहाँ पर लेयर हैं जो कि दोस्तों हमें यहाँ पर बंद करके दे दिया है। जैसे दोस्तों ये अगर चालू होता तो दोस्तों आपका जो अलाइट मोशन है तो दोस्तों आपका यहाँ पर कुछ रुक रुक कर चलने लगता, तो मैंने बंद करके दे दिया है। तो दोस्तों को यहाँ पर तीन लेयर हैं जो कि दोस्तों आपका इमेज क्लियर है। तो दोस्तों को इन तीनों इमेज क्लियर पर वही फोटो को अटैच करना है। एंड जो भी आप फोटो को अटैच करिएगा एक ही फोटो को अटैच करिएगा। जैसे दोस्तों
मैं चलिए कोई भी एक इमेज के लिए पर फिर से फोटो को अटैच करके बता देता हूँ। कलर फिल पर क्लिक करना है, स्टार को ऊपर क्लिक करके फिर से फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के कन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीका से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी, बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों को कुछ इसी तरीका से सभी इमेज के लिए पर फोटो को अटैच करना है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीका से ग्रुप 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2 है। तो दोस्तों इन पर फोटो को अटैच करने के लिए कोई भी ग्रुप पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों मैं ग्रुप 2 पर क्लिक करता हूँ, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर 3 लेयर मिलेंगे। तो दोस्तों को ग्रुप 1 पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक करके इमेज लेयर पर क्लिक करके कलर फिल पर क्लिक करके स्टार को सर क्लिक करके फिर से कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के कन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी इमेज अटैच हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों को ग्रुप 2 पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक करके इमेज लेयर पर क्लिक करके कलर फिल पर क्लिक करके स्टार को सर क्लिक करके फिर से आपको ग्रुप 1 पर जो आप फोटो को अटैच किए हैं वही वाली आपको फिर से फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के कन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी आपकी फोटो अटैच हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों को बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो डीजे स्टेटस वीडियो है बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी इमेज के लेयर दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों आपको इन सभी इमेज के लेयर पर फोटो को अटैच कर लेना है। इजीली सभी इमेज के लेयर पर फोटो अटैच हो जाती है। तो दोस्तों चलिए मैं एक बार लास्ट में और अटैच करके बता देता रहा हूँ। तो दोस्तों को फिर से कोई भी एक इमेज के लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार को सर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी फोटो अटैच होती जाएगी। तो दोस्तों आपको सभी इमेज के लेयर पर फोटो को अटैच करने के बाद दोस्तों आपका जो डीजे स्टेटस वीडियो बन के रेडी हो जाएगी इजीली। इसके बाद दोस्तों को इस डीजे स्टेटस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों को यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी के इंस्टाग्राम ट्रेनिंग रील्स का डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके से एक न्यू धमाकेदार वीडियो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।